गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6 जी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 1 आएगा, फिर 60 को 2 से करेंगे 30, 30 को 2 से किया 15, 15 को 3 से किया 5, 5 वन ज़ा 5। 50 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5, 60 के आ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जो कॉमन है वो भी लिखने हैं और जो बच जाएंगे वो भी लिखने हैं। एससीएफ में तो हम सिर्फ कॉमन लिखते थे, लेकिन एलसीएम में हम कॉमन भी लिखेंगे और जो बचे हुए नंबर है वो भी लिखेंगे। 2 दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। 5 दोनों में आ रहा है, 5 कॉमन है, लिख दिया। अब क्या बच गया? ऊपर 5 नंबर बच गया, नीचे 2 3 बच गया। ये तीनों भी लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300। आपका आंसर आ जाएगा 300। देखा 36, 42 एंड 148। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 42 लिया, 42 को 2 से डिवाइड किया 21 आया, 21 को 3 से किया 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 148 को 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 37 1 ज़ा 37। 36 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 42 के आए 2 इंटू 3 इंटू 7, 140 के आए 2 इंटू 2 इंटू 37। एलसीएम जो कॉमन आ रहा है, देखो तीनों में 2 आ रहा है, ले लिया। फिर 3 दो में आ रहा है तो ये एक बार ले लेंगे, 2 दो में आ रहा है तो ये भी एक बार ले लेंगे। उसके बाद बच क्या गया? 3 इंटू 7 इंटू 37, ये भी ले लेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 9324। एफ सी पार दे रखा है 10, 16 एंड 18, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 16 को किया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 10 के लिए फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 5, 16 के आए 4 टाइम्स 2, 18 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कुछ किसी में कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे बाकी के नंबर लिख देंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 720। अब पार्ट डी दे रखा है 16, 160 एंड 192। 16 का किया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 160। 2 8 ज़ा 16, 0, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 192 को किया, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 96 आया 2 से डिवाइड करने पर। फिर 96 को 2 से डिवाइड किया 48 आया, 48 को 2 से डिवाइड किया 24 आया, 24 को 2 से किया 12 आया, 12 को 2 से किया 6 आया, 6 को 2 से किया 3 आया, 3 1 ज़ा 3। 16 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 160 के 4 टाइम 5 टाइम 2 आया, फिर 5, 192 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो कॉमन आ रहा है, देखो तीनों में 2 आ रहा है, फिर 2 लिख दिया, फिर दोबारा तीनों में 2 आ रहा है, फिर दोबारा 2 लिख दिया, फिर तीनों में 2 आ रहा है, फिर 2 लिख दिया, फिर तीनों में 2 आ रहा है, फिर 2 लिख दिया। अब उसके बाद 2 फिर 2 में आ रहा है, 160 में भी आ रहा है और 190 में आ गया, तो 2 लिख दिया। बच क्या गया? उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 3, ये सब नंबर लिख दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। अब पार्ट ई दे रखा है 16, 28, 40, 16 के भी ऐसे ही फैक्टर्स निकालोगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 28 2 को 2, 28 को 2 से डिवाइड किया 14 आया, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 40, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 16 के आगे 4 टाइम्स 2, 28 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 7, 40 के आए 3 टाइम्स 2 इंटू 5। एलसीएम आ गया, 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 ले लिया, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 ले लिया। अब 2 देखो 16 में भी आ रहा है, 40 में भी आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद बच क्या गया? 2 इंटू 7 इंटू 5, ये लिख दिए, तो आपका इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 560। अब एफ पार्ट दे रखा है 112, 168 एंड 266। 112 को किया, 2 से तो 56 आया, 56 को 2 से किया तो 28 आया, 28 को 2 से किया 14 आया, 14 को 2 से किया 7 आया, 7 वन ज़ा
7, 168 का 2 से किया 84 आया, 84 को 2 से किया 42, 42 को 2 से किया 21, 21 को 3 से किया 7, 7, 1 से 7, 266, 2 की टेबल में आता है 133 पर 7 को, 133 को 7 से डिवाइड किया है 19, 19, 1 से 19, 112 के फैक्टर्स हो जाएंगे 168 के, 266 के। अब 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, 2 लिख देंगे, फिर 7 कॉमन आ रहा है तीनों में तो 7 भी लिख देंगे। अब 2 है 112 में भी आ रहा है, 168 में भी आ रहा है, तो 1 टाइम 2 लिख देंगे, फिर दोबारा 112 में भी आ रहा है, 168 में भी आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। क्या बच गया, 2319, ये लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6384 एलसीएम आ जाएगा आपका। जी पार्ट 144 के निकालोगे, 2 7 14, 2 2 4, 72 को 2 से डिवाइड किया 36, 36 को 2 से किया 18, 18 को 2 से किया 9, 3 3 9, 3 1 3, 180, 180 को 2 से किया 90, 90 को 2 से किया 45, 45 को 3 से करेंगे 15, 15 को दोबारा 3 से करेंगे 5, 5 1 5, 384 आया। इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 192, 190 को 2 से डिवाइड किया तो 96, 96 को 2 से किया 48, 48 को 2 से किया 24, 24 को 2 से किया 12, 12 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 3, 3 1 3। अब ऐसे ही 144 के फैक्टर्स लिखोगे, 180 के लिखोगे, 384 के लिखोगे, जो कॉमन आ रहा है वो लिख दोगे, जो नहीं आ रहा फिर वो लिख देना बचा हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 5760 मल्टीप्लाई करने पर। HIJ आपको खुद करने हैं। थैंक यू।